नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। परदेश से फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाले अपूर्व अग्निहोत्री और क्योंकि सास भी कभी बहुत ही फेम शिल्पा सकलानी का सपना 18 साल बाद पूरा हो गया है। शिल्पा और अपूर्व टीवी के सबसे फेमस कपल्स में से एक हैं। दोनों को सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं के सेट पर प्यार हुआ था। उसके बाद दोनों साल 2004 में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के 18 साल बाद उनके घर में किलकारियां गूंजी है। आखिर उन्होंने पेरेंट्स बनने के लिए 18 सालों का इंतजार क्यों किया, ये सवाल हर किसी के मन में है। आखिर क्यों शिल्पा और अपूर्व 18 सालों के बाद पेरेंट्स बने हैं, एक मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि शिल्पा और अपूर्व को बेबी होने में 18 साल इसलिए लग गए क्योंकि उनमें हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल हेल्थ इश्यूज की वजह से वो 18 साल बाद पेरेंट्स बने। अपूर्व अग्निहोत्री 50 साल के हैं, वहीं शिल्पा 40 साल की हैं। शादी के 8 साल बाद ही दोनों ने बेबी प्लानिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वो 18 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। वहीं अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि शिल्पा की बेबी नेचुरल या फिर IVF या सेरोगेसी से हुई है। बता दे अपूर्व और शिल्पा ने अक्टूबर 2022 में बेटी का स्वागत किया था। कुछ समय पहले ही न्यू डैड अपूर्व ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेबी की एक वीडियो शेयर कर अनाउंसमेंट की थी कि वो पेरेंट्स बन गए हैं। साथ ही न्यू बॉर्न बेबी का क्यूट नाम भी उन्होंने बताया था। कपल ने अपनी लाडली बेटी को ईशानी कानू अग्निहोत्री नाम दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।